dear students in this module we are going to talk about sociological imagination this was a concept given by C Wright Mills who was an American sociologist understanding how our personal lives are connected to the broader social world इसका मतलब ये है कि आप अगर हमारे मानव के अंदर होने वाले इवेंट्स को इमेजिन करें और आप एक लम्हे के लिए इसके रीज़न्स या इसकी कॉजेस के ऊपर गौर करें तो हमें शायद ये महसूस होगा कि बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी कॉजेस जो हैं वो शायद किसी इंडिविजुअल के रवैये की वजह से पैदा हो रही हैं uh, मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि वाई अ पर्टिकुलर स्टूडेंट गेट्स फेल्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो हम ये देखते हैं कि शायद ये नालायक है निकम्मा है इसने मेहनत नहीं की होगी और इस वजह से जो है वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया है अगर हम थोड़ा सा इसको सोशोलॉजिकली ग़ौर करें और अपने हॉराइज़न को थोड़ा ब्रॉडर करें और उसके फेलियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश जो है कॉन्टेक्स्ट के अंदर करें तो हमें शायद उसकी रीज़न्स जो हैं वो उस इंडिविजुअल में ना मिलें बल्कि उस सोसाइटी के अंदर या उस ग्रुप के अंदर वो रीज़न्स मिलें दूसरे लफ्जों में सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम माशरे के अंदर होने वाले इवेंट्स की रियल कॉजेज़ को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं इसको टिपिकली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ आप अगर इमेजिन करें कि एक ऐसा शख्स जिसका इस मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा और उसको नहीं पता कि जदीद दुनिया के अंदर जो है वो क्या हुआ किस तरह से हुआ और आप अचानक से ला के उसको जदीद दुनिया के किसी एक रूम में बिठा दें जिसमें सीलिंग फ़ैन चल रहा है अब वो जो सीलिंग फ़ैन ऊपर चल रहा होगा आप उसको अगर कहें कि भाई आप इसको बंद कर दें तो हो सकता है कि आउट ऑफ द ब्लू वो एकदम उसको जो है छलांग लगा के उसके ऊपर उसको बंद करने की कोशिश करें बिकॉज़ ही डजेंट नो वेयर द किल स्विच इज़ और वो किल स्विच जो है वो उस प्रोसेस से चूँकि नहीं गुजरा है उसको नहीं पता उसको ये लगता है कि शायद इसको पकड़ने से रोकने से जो है ये फ़ैन जो है बंद हो सकता है अब बिल्कुल इसी तरह से जब हम सोशल जब हम सोशल प्रोसेस की बात करते हैं और उनकी रीज़न्स की बात करते हैं तो एक ले जो है वो हो सकता है कि उसी तरह से बिहेव करे और डायरेक्टली उसी इवेंट को जो है वो कॉज uh, समझना शुरू कर दे जैसे हम एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि वाई अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल गॉड फेल्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो हो सकता है कि रीज़न जो है वो उस इंडिविजुअल के अंदर ना हो बल्कि रीज़न जो है उस पूरे सिस्टम के अंदर हो जिसमें स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग हो सकता है उसी सब्जेक्ट के अंदर बाकी एटी परसेंट स्टूडेंट्स भी फेल हुए हों तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इट्स वेरी पावरफुल टू अंडरस्टैंड दैट वाट एंड हाउ वी कैन डिस्कवर द एक्चुअल एंड रियल कॉजिज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सो इट एनालिज़ द इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एंड डेवलपिंग अटिकल थिंकिंग स्किल टू क्वेश्चन कॉमन एक्जम्शन एंड सोशल नॉर्म्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन यानी हम जो जो भी इवेंट्स देखते हैं माशरे के अंदर टिपिकली uh, हम उनकी कॉजेज़ जो है वो डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम की बुनियाद के ऊपर जो है आ, उन कोज को, को डिस्कवर करने की कोशिश करें जैसे आज की दुनिया में हम देखते हैं भाई ग़ुरबत क्यों बढ़ रही है महंगाई क्यों बढ़ रही है लोगों के अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है नौजवानों में शिद्दत पसंदी का रुझान क्यों है इसी तरह से बच्चे जो हैं वो आ, माल न्यूट्रिशन का शिकार क्यों हैं जब हम इनकी काज़े की बात करेंगे तो हो सकता है कि जो टिपिकल काज हम न्यूज़पेपर्स के अंदर पढ़ रहे हैं या इसी तरह से इधर उधर के माहौल में देख के एक दूसरे से लर्न करते हैं हम उन्हीं काज़ को उनकी रियल काजेज़ समझें लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक ऑब्ज़र्वेशन के जरिए सोशलॉजिकल इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हो सिस्टमेटिक वे में उनको स्टडी करेंगे तो हो सकता है कि उनकी जो रियल कॉजेज़ हैं वो डिफरेंट हों दैन आवर कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन सो रिकोगनाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर इन इक्वालिटी And social structure on our daily lives is very important. Uh, social inequality के जितने भी processes हैं हम देखते हैं कि उनका indirectly या directly हमारे ज़िंदगी के ऊपर असर होता है जैसे हकूमत जो है वो अपनी uh, economic policies जब बनाती है तो उसका direct impact जो है वो एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर पड़ता है Sociological imagination जो है वो हमें एक broader lens provide करता है जिसके ज़रिए हम किसी भी माइक्रो लेवल के इंसिडेंट को माइक्रोस्कोपिक व्यू से देख सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड देन एग्जामिनिंग द इंटरप्ले बिटवीन द पर्सनल ट्रबल्स एंड पब्लिक इश्यूज। पर्सनल ट्रबल्स से सीराइट मिल्स की ये मुराद थी कि जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर होने वाले वाक़ होते हैं हो सकता है कि वो डायरेक्टली या कनेक्टेड हों हमारे पब्लिक ईशूज से या पब्लिक पॉलिसीज़ के साथ तो सोशियोलॉजिस्ट का ये काम है कि वो इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर माइक्रो लेवल के ऊपर ग्रुप लेवल के ऊपर कम्युनिटी लेवल के ऊपर होने वाले जितने भी वाकत होते हैं उनकी रियल कॉजि को डिस्कवर करने की कोशिश करें ना कि उन टिपिकल काज़ज़ को जो कि माशरे में हमारी कॉमन सेंस ऑब्जर्वेशन के ज़रिए प्रेवलेंट होते हैं सो एक्सेसिंग द इम्प्लिकेशन ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़ इसी तरह से हम बहुत से मूवमेंट्स देखते हैं सोशल चेंज की मूवमेंट्स आती हैं हमारे गिर्द जो है मुख्तु तरह के हालात वाक़ गुजर रहे होते हैं उनके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं क्या पॉसिबली उनकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं इन सारी चीज़ों को देखने के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए इम्प्रोवाइज़ करने के लिए एक सोशियोलॉजिस्ट जो है वो इस सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का यूज़ कर सकता है और यूज़ करते हुए एक रेलेटिवली uh, एक रिलायबल नॉलेज प्रोड्यूस कर सकता है सो प्लाइ सोशलॉजिकल इमेजिनेशन टू एड्रेस द सोशल प्रॉब्लम एंड देयर बाई टू प्रमोट सोशल जस्टिस बिकॉज हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है कि हम माशरे के अंदर सोशल जस्टिस प्रोड्यूस करें और इस सोशल जस्टिस को प्रोड्यूस करने के लिए माशरों में मौजूद जितने भी सोशल इशूज़ हैं जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको एडिकेटली एड्रेस कर सकें तो चूँकि ये माशरे इल्म है क्योंकि ये इंसानी रवैयों का इल्म है इस वजह से माशरे के अंदर होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इंसानी रवैयों के नतीजे में पैदा होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन जो है वो उनको एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है एक ऐसा लेंस प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उससे नतीजा क्या हो सकता है कि हम एट द एंड ऑफ द डे वी एट अ बेटर पोजीशन टू हैव अ बेटर पॉलिसी जैसे पाकिस्तानी माशरे में एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें इट्स इट्स ब्रेन इट्स अ फूल फॉर थाट फॉर यू गाइज एज़ वेल के आप इन एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए जो है ना सिर्फ सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए आ, अपने इर्द गिर्द पाकिस्तानी माशरे के अंदर होने वाले वाक़ात मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से उनकी जो रियल कॉजेज़ हैं उनको डिसकवर करने के प्रोसेस से ख़ुद भी गुजर सकें मिसाल के तौर पर एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनीज़म ऑन पाकिस्तानी कल्चर एंड सोसाइटी ब्रिटिश कलोनीज़म को गुजरे हुए तकरीबन सत्तर साल हो गए हैं डायरेक्ट उसके कॉजेज़ को लेकिन जो उसके इम्प्लीकेशनस हैं उनको हम आज तक पाकिस्तानी माशरे के अंदर भुगत रहे हैं एज आ सोशोलॉजिस्ट आपके लिए ये एक फूड फॉर थाट है कि कैसे ब्रिटिश कलोनीलिज़म जो है उसने हमारे माशरे के अंदर किस तरह के इम्पैक्ट पैदा किए हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्या असर डाला हमारे जो रवैये हैं एक दूसरे के साथ उनके ऊपर क्या असरात डाले ये सारी चीज़ें जो हैं आज भी हमें नज़र आती हैं और एज अ सोशोलॉजिस्ट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाई यूजिंग सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन